फ्रेंड्स, एक सिंपल सा टॉपिक है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब किसी को तोड़ना, ब्रेक करना। बट मैथमेटिक्स में, न्यूमेरिकल में, नंबर्स में, किसी नंबर जैसे ये 25, तो इसको तोड़ोगे तो नंबर्स के फॉर्म में टूटेगा। कैसे? प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 5 × 5 हो गया। या फिर सपोज किसी और नंबर को लिया, जैसे मैंने 18 ले लिया, इसको मैंने ब्रेक किया, तो आपने इसे ब्रेक किया 9 × 2 हुआ। वापस इसको ब्रेक किया तो 3 × 3 × 2, तो ये ब्रेक होता जा रहा है। मतलब किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन ये हो गया, एक सिंपल हो गया। एक दूसरी तरीके से हुआ जिसके साथ वेरिएबल भी जुड़ा हुआ, जैसे x² + 25, इसको फैक्टर करें। कैसे करेंगे? तो इसको तो साफ देखने में लग रहा है कि मैं फॉर्मूला ही यूज कर लूँ यहाँ पे। कैसे? a² - b² नजर आ रहा है मुझे, तो a + b × a - b, तो a के प्लेस पे आपका हो गया x² और प्लेस ऑफ b हो गया आपका 5² तो सेम बन गया a एंड b, तो x + 5 × x - 5 कुछ ऐसा हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेथड के थ्रू, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके थ्रू अब ये अप्लाई करेंगे हमेशा क्वाड्रेटिक। फिलहाल तो ये इक्वल टू जीरो नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इक्वेशन में क्या होता है कि LHS RHS पार्ट दोनों मिलते हैं, बट पॉलिनोमियल में ओनली सिंगल LHS पार्ट ही रहता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेना, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में मिल लेते हैं जीरो। ठीक है ना, अब इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है। कोई भी नंबर लिया, जैसे सपोज एक नंबर मैंने ले लिया 3x² + 7x - 6 इक्वल टू जीरो, ये एक मैंने नंबर लिया। हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड जब हम अप्लाई करने जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, x² के आगे का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके सबको पॉजिटिव कर लेना। जैसे ये सारा पॉजिटिव है, सपोज ये ऐसा होता 3x² + 7 + 6 = 0, तो मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल माइनस कॉमन लेके और इसको खत्म कर देता, तो या माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस, ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस होगा माइनस का, और ये माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, मतलब x² का कोएफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, पहला पॉइंट तो ये क्लियर होगा। फिर अब आप कंपैरिजन करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो प्लेस ऑफ a 3 b 7 और c - 6 है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। जो मिडिल टर्म है, मिडिल में क्या है, 7x, देयर आर 3 टर्म्स, इसको स्प्लिट करना है, इसके टुकड़े करने हैं। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज राइट डाउन कर दो, प्लस ये मिडिल टर्म को एज इट इज प्लेस वेकेंट करके ये लिख देता हूं। मैं करने जा रहा हूं a × c। क्या करेंगे, a × c, a मींस 3, c मींस -6 है, 3 × -6, तो क्या हो गया, -18। बट अभी यहां मुझे माइनस का ख्याल नहीं रखना है, माइनस भूल जाइए। ठीक है, मुझे ध्यान रखना है 18 का, तो मुझे इस 18 के 2 ऐसे फैक्टर्स करने हैं, टुकड़े करने हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 18 मिलना चाहिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या मिलना चाहिए, a × c जो किया, जो भी आएगा वो मिलना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। और यहाँ जो साइन है इसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस करने पे मुझे 7 आना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं, यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पे 7। इज दैट क्लियर? तो भाई 18 के जब मैं फैक्टर करूँ तो 9 × 2 एक हो जाता है, 9 × 2 = 18, 9 - 7 करूँ तो क्या हो जाता है, 9 - 2, इन्हीं दोनों फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 7। यस, 7 आ गया, मतलब ये फैक्टर बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप राइट डाउन कीजिए 9 - 2। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करते जाते हैं। ठीक है, प्लस 9 × x, 9x, प्लस माइनस, माइनस बाहर प्लस है तो साइन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, अंदर जो है एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, तो हो गया 2x। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अक्सर कर स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ अगर माइनस होता तो इससे अंदर वाले के साइन चेंज हो जाता। यहाँ सपोज ये माइनस है तो ये माइनस का 9x रहता और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट इन दिस केस पॉजिटिव है तो हमें कहीं कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब 2 की पेयरिंग कर लीजिए, पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन क्या रहा है, एक तो 3 और 9 के टेबल में 3, x² में कम पावर वाली x, तो फाइनली क्या बचेगा, ओनली x + 3 = 9, और x बाहर जा चुका है ब्रेकेट के बाहर, यहाँ माइनस है, इन दोनों में कॉमन देखिए, तो भाई x यहाँ है पर यहाँ नहीं, तो x कॉमन आएगा ही नहीं आएगा, 2 और 6 में 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x, माइनस बाहर है, साइन चेंज हुआ, ये भी साइन चेंज होगा प्लस, ओके 2 × 3 = 6। ब्रैकेट ओपन करते वक्त और ब्रैकेट लेते वक्त दोनों टाइम आपको साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर सेम वैल्यू आ रही है विद साइन, साइन भी सेम है, मतलब यू आर गोइंग इन राइट वे, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर माइनस प्लस में भी कहीं डिफरेंस आ रहा है, वैल्यू सही है, तो भी मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो आगे के स्टेप में देखिए, तो ओवरऑल ब्रैकेट में हमारा हो गया x प्लस 3, कोई टेंशन नहीं। अब क्या बचा, 3x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, क्लियर है, ये हो गया फैक्टर। अगर मुझे जीरो फाइंड आउट करना है तो इसको जीरो के अलग अलग इक्वेट कर लो, ठीक है, खाली फैक्टर की बात है। तो ये यहाँ तक क्लियर, तो ये हो गया एक बार जीरो इसके इक्वल, और ये वाला 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस ऑफ 3, और दूसरा हो गया 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, तो 2 वैल्यूज आ गई। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किसी का फैक्टर कैसे किया जाता है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपके नॉलेज के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक ये हो गया, सेकेंड मैंने दिया सेम, इसी को मैं चेंज करता जा रहा हूँ, समझिएगा 2x माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 3, दोनों में वैल्यू चेंज आएगी, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। और एक ले लीजिए आप स्क्वायर, यहाँ पे एक थर्ड ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 5 लीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, आई होप क्लियर। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करेंगे करेंगे, बट अगर पसंद आ रहा है तो अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिन लोगों को इन टॉपिक्स में या इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है, दुआएँ ज़रूर देंगे वो आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।